हेलो फ्रेंड्स, ताजा एवं मनोरंजक खबरों के लिए ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बराबर में जो घंटी का निशान है उस पर क्लिक कर लेंगे तो सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी दो दिन पहले की बात है, CBSE का 10th क्लास का मैथ का पेपर आउट हो गया। पेपर दोबारा करने का बोला। अच्छा, पेपर आउट हुआ और ये वाली बात जब हमारे छोटे गांधी को पता चली तो वो क्या कहते हैं कि जब मम्मी का टाइम था तब सब कुछ ठीक था, कभी हार भी जाते तो अंतर बारीक था। जब मम्मी का टाइम था तब सब कुछ ठीक था, कभी हार भी जाते तो अंतर बारीक था। पर अब सबको पहले से परिणाम पता कैसे, चुनाव दोबारा हो पेपर मेरा भी लीक था। और मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है फटा दूध। हुआ यूँ कि मेरी वाइफ घर से जा रही थी, बोल के गई कि दूध गर्म कर लेना वरना फट जाएगा, और मैं दूध गर्म करना भूल गया। तो मैंने सोचा कि कुछ लिख लिया जाए फटे दूध पे। और अब आपस में ये देखेंगे कि अलग अलग कार्य क्षेत्र के प्रोफेशन के लोग फटे हुए दूध के बारे में क्या क्या सोचते हैं। एक हलवाई का लड़का जिसकी प्रेमिका भाग गई है, छोड़ के चली गई है, वो क्या बोलता है कि काजू कतली पे धब्बा एक काला हो, रसगुल्ले का सारा रस निकाला हो, और तूने मेरे जज्बातों को यूं फाड़ा, गरम दूध में जैसे नींबू डाला हो। अच्छा, उस हलवाई का बाप सुन लेता है, उसे पता था कि इसका चक्कर मेरे दुकान पे आने वाली एक लड़की से चल रहा है। वो क्या बोलता है कि ग्राहक से ना हम कभी नैना लड़ाते हैं, महिला हो ग्राहक उसे बहना बताते हैं, और रोना धोना छोड़ के तू काम पे लग जा, दूध अगर फट जाए तो छेना बनाते हैं। और एक मोटिवेशनल स्पीकर क्या सोचता है कि लक्ष्य हो पहाड़ फिर भी डटना पड़ता है, मुश्किल हो हजार पर ना हटना पड़ता है, और आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होता, पनीर बनने दूध को भी फटना पड़ता है। अब दो प्रकार के बाबा, एक असली बाबा एक नकली बाबा। नकली बाबा क्या सोचता है, क्या बोलता है कि कन्हैया हूं अपना सब राधा हमको दे दे, कन्हैया हूँ अपना सब राधा हमको दे दे, और बोलेगी कहीं नहीं वादा हमको दे दे, ये धन वैभव दूध जैसा कच्चा है बच्चा, रखा रखा फट जाएगा, आधा हमको दे दे। बहुत बढ़िया। अब एक असली बाबा है, वो क्या बोलते हैं, जो एक्चुअली असली आध्यात्मिक संत है, इसमें थोड़ी सी गहराई है समझिएगा, कि तन पिंजर में आत्म को ज्यो जेल हो जाए, दूध और पानी के जैसा मेल हो जाए। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलना। आत्मा हमारे शरीर में जेल की तरह है, दूध में जैसे हम पानी नहीं बता सकते कि पानी कहाँ है, वैसे आत्मा हम अपने शरीर में नहीं बता सकते कि कहाँ है। अब सुनिए कि तन पिंजर में आत्म को जो जेल हो जाए, दूध और पानी के जैसा मेल हो जाए, और परमात्म से जुड़ जा चेतन इससे पहले कि दूध फट जाए और तेरा खेल हो जाए, एक बेटा दूध नहीं पी रहा है, उसका बाप क्या सिखाता उसे कि दाना पानी हफ्ते या महीने नहीं मिलता, कई बच्चों को तो यहाँ जीने नहीं मिलता, और तुमको मिलता है तो बेटा नखरे कर रहे हो, फटा दूध भी कईयों को पीने नहीं मिलता, वैसे बहुत सारे हैं, लास्ट के दो सुनाता हूँ, ये पूरा दूध ग्रंथ है मेरा, बहुत सारे हैं इसमें, मैं लास्ट के दो सुना रहा हूँ। दोस्त, इसलिए एक कवि क्या सोचता है कि चुटकुले बाजों के धंधे मंद हो जाए। आप तो यादव होने चाहिए जैन के बदले। हाँ जी, और क्या यादव होने चाहिए आपको। यादव थोड़े फटे दूध का इस्तेमाल करते हैं, फटे दूध का इस्तेमाल बनिया ही कर सकते, बनिया कर सकते। सही है कि चुटकुले बाज, कवि क्या सोच रहा है कि चुटकुले बाजों के धंधे मंद हो जाए, मंचों से तोता मैना सारे बंद हो जाए, चुटकुले बाजों के धंधे मंद हो जाए, मंचों से तोता मैना सारे बंद हो जाए, और असली कविता क्या होती है शायद ना जानूं, पर दूध फट जाए तो अपने छंद हो जाए, दूध फट जाए तो अपने छंद हो जाए। और आखिरी, मैं वैज्ञानिक हूं, मैं बता देता हूं, PhD केमिस्ट्री वैज्ञानिक हूं,
तो अब मेरी बाइक वापस आई मार्केट से और बोल मैंने पूरा सुना दिया और बोलती है भाई ये बताओ, नहीं बोला पर उसने बोला कि ये बताओ तू फटा तो फटा कैसे। तब मैंने उसको समझाया साइंस की भाषा में कि आने वाला जाएगा गीता में मेंशन है, आने वाला जाएगा गीता में मेंशन है, छोटी छोटी बातों में क्यों लेती टेंशन है, और क्या तू इतना ना जाने वैज्ञानिक की बीवी, दूध का फटना भी केमिकल रिएक्शन है, दूध का फटना। हेलो फ्रेंड्स, ताजा एवं मनोरंजक खबरों के लिए ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बराबर में जो घंटी का निशान है उस पर क्लिक कर लेंगे तो सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।